वेलकम बैक गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने इतना बनाया था, तो हम इसके आगे देखते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। तो ये बटन्स के लिए आप ऐड भी कर सकते हैं, या इसमें हम लिंक्स पे डाउनलोड ना होते हैं तो हमारी कोई भी वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन होगी, तो हम यहाँ पे लिंक देके वहाँ से इंसर्ट लिंक कर सकते हैं। नहीं तो हमें हटाना है तो हटा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं स्लाइडर्स कैसे ड्रैग अपने वेबसाइट पे करते हैं। तो इसको आपको सिंपली एक बार ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने खुल गया है, तो ये देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है कैसी अट्रैक्टिव देख रही है। तो ये हमें स्लाइडर्स का क्या क्या है ये देख सकते हैं कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये स्लाइड करके हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में बताएगा, थोड़ा एट्रैक्टिव वे में, थोड़ा सा एट्रैक्टिव हमारी वेबसाइट होगी। तो ये फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसको चेंजेस कर देते हैं। स्लाइड में दिखा रहा है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 4:1 और डिस्क्रिप्शन वही देता हूँ क्योंकि मैं अभी एडिट नहीं कर सकता। तो आप ये बटन हटाना चाहते हो तो बटन हटा सकते हैं। तो ये हमको बैकग्राउंड में चेंज, इसका कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये फोटो का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना तो इटैलिक कर सकते हैं। लिंक होगी तो यूजर ने क्लिक किया तो वो भी खुल सकता है। इसको हमें बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा और एक इमेज डाल लेते हैं। ये डाल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हमारी एक इमेज ऐड हो गई। तो ये फर्स्ट स्लाइड हुआ, और सेकंड स्लाइड में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो बटन, या तो रेन ठीक या से आप ये चेंज कर सकते हैं ना। चेंज नहीं हो रहा तो आप तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा लेकिन आपकी कंप्यूटर में। तीसरी स्लाइड है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने पहले भी बताया था कि ये हम लेफ्ट में भी ले सकते हैं, राइट में भी ले सकते हैं और सेंटर में भी रख सकते हैं। तो इसको आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो वो रख सकते हैं। ये इसको हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और ये हमें इसकी भी बैकग्राउंड में चेंज करनी है हमें। तो यहाँ से कोई भी ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में चेंज हो गया। सेकंड पेज पे थर्ड पे जाते हैं, थर्ड में चेंजेस कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ये एडिट करना तो डिलीट कर सकते हैं, तो आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इस लिंक पे जाएगा वो। जैसे कि होम पेज पे जाना तो होम पेज पे जा सकता है, अबाउट पे जा सकता है, अबाउट में जा सकता है। तो इस तरह से हम ये स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि ये मेनू बार है, ये हेडर बार है और ये स्लाइडर है। जैसे कि हमारा ये स्लाइडर का भी हम इमेज चेंज कर लेते हैं। तो ये तीसरी की फोटो अपलोड हो गई है।
तो ये देख सकते हैं कि आपके सामने हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके अपने आप देख सकते हैं। थैंक्स।